हाय एवरीवन, आई गौरी शर्मा फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो आज अपना डे चल रहा है 12th और चैप्टर अपना सेकंड चल रहा है स्टोन एज। सो आप हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो कल मैंने आपके टोटल 3 क्वेश्चन करवाए थे लॉन्ग आंसर, और आज मैं बाकी के 2 क्वेश्चन करवा रही हूँ, और इस चैप्टर को हम यहाँ पे आज खत्म कर देंगे। खूब इसकी क्लासेस भी हो चुकी है, मैंने आपको पढ़ा भी दिया और सारे टाइप के क्वेश्चंस का आंसर करवा भी दिए। ओके गाइस, सो चलते हैं बाकी क्वेश्चन आंसर पे। एफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। हमें ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, इसको पूरी तरह से डिटेल में हमें इनका आंसर देना है, ठीक है। सो फोर्थ क्वेश्चन है अपना ये, क्योंकि 3 क्वेश्चन मैंने कल करवा दिए थे, तो ये अपना फोर्थ क्वेश्चन हुआ। तो फोर्थ क्वेश्चन है अपना, व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन मैन्स लाइफ इन द मेसोलिथिक एज। तो मेसोलिथिक एज में मैन एक इंसान की लाइफ में जो जो चेंजेस आए, मैंस लाइफ में जो जो चेंजेस आए, हमें वो बताने हैं। तो मैंने आपको बताया है कि अपना स्टोन एज 4 एज में डिवाइडेड है। फर्स्ट है अपना पैलियोलिथिक एज, सेकंड है अपना मेसोलिथिक एज, तीसरा है अपना नियोलिथिक एज, एंड फोर्थ है अपना चाल्कोलिथिक एज। ओके गाइस, सो हमें पूछ रहा है कि मेसोलिथिक एज में जो भी चेंजेस आए हैं हमें वो बताने हैं। सो हम उसको लिखेंगे, मैसोलिथिक एज लास्टेड फ्रॉम 12,000 BC टू 10,000 BC। आपको पता है कि जो BC होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है, ठीक है, ऊपर बढ़ते हुए से घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो जो अपना मैसोलिथिक एज है वो 12,000 BC से लेकर 10,000 BC तक रहा है। ओके, दिस वॉज पीरियड ऑफ ट्रांजिशन और चेंज। ये जो पीरियड था, ये जो समय था मैसोलिथिक एज, ये पूरी तरह हमारा चेंजिंग टाइम था, पूरी तरह से इंसान में बदलाव आए थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन स्टार्टेड मेकिंग मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स। तो इस पीरियड के अंदर जो मैन था, जो इंसान था, उसने अपने टूल्स की जो सामग्री है और जो स्ट्रक्चर है और जो टेक्निक है उसको बदला। पहले जो टूल्स थे वो कच्चे थे और कमज़ोर थे, उसके बाद धीरे धीरे मेसोलिथिक एज में मजबूत होते गए और उनकी टेक्निक भी बदलती गई, ठीक है। तो मैन स्टार्टेड मेकिंग मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स, दे वर मोर फ्लेक्सिबल एंड स्मॉलर देन द पैलियोलिथिक टूल्स। तो वो जो टूल्स मेसोलिथिक एज में बनते गए वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग भी थे, फ्लेक्सिबल भी थे, बजाय पैलियोलिथिक एज में। पैलियोलिथिक एज में बड़े बड़े टूल्स होते थे, भारी भी होते थे और वो इतने स्ट्रांग भी नहीं होते थे। तो इस तरीके से अपने टूल्स में भी बदलाव आया। सम ऑफ देम वर मेड ऑफ वुड, स्टोन, बोन एंड होन्स, एंड विथ विच दे डेवलप्ड फिशिंग हुक्स, बोज एंड एरोज। तो इस तरीके से जो उनके टूल्स थे वो मोस्टली बनते थे वुड से, लकड़ी से, बोन से, हड्डियों से, स्टोन से, पत्थर से, एंड हॉर्न्स और सींगों से, जिससे वो फिशिंग मतलब मछली पकड़ने में जो काम आते हैं आपके एरोज, आपके तीर कमान और जो आपके हुक्स काम में आते हैं मछली पकड़ने में, उस सबको वो बनाते थे, ठीक है। दीज स्टोन टूल्स वर मेड माइक्रोलिस, और ये जो स्टोन टूल्स जो मेलोलिथिक एज में बनते थे उन्हें माइक्रोलिस कहते थे, ठीक है। मैन आल्सो बिगैन टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स सच एज डॉग, गॉट, शिप एंड कैटल्स। तो मेसोलिथिक एज में एक और चीज़ हमें देखने को मिली कि जो मैन था, जो इंसान था, उसने जानवर पालने भी शुरू कर दिए, डोमेस्टिकेट एनिमल्स पालने भी शुरू कर दिए, जैसे कि डॉग्स, कैट्स, एनिमल्स, शीप, गॉट्स, ये सब कुछ। तो आपको पता है कि जो डॉग्स है वो हंटिंग और कैचिंग एनिमल्स पे बहुत काम आते हैं, तो ये मेसोलिथिक एज में स्टार्ट हो गया था अपना, ये अपना मेसोलिथिक एज में स्टार्ट हो गया था डॉग्स को हंटिंग और कैचिंग एनिमल्स पे काम लेने में, ठीक है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द रियन्स ऑफ अर्ली सेटलमेंट्स दैट द अर्ली मैन मे हैव लर्न्ड टू ग्रो क्रॉप्स टूवर्ड द एंड ऑफ द मेसोलिथिक एज। तो हमें ये देखने को मिला कि मेलोलिथिक एज में लोगों ने फसल उगाना भी शुरू कर दिया था, बीज से कैसे फसल उगाए इस तरीके की उनमें वो माइंड आ चुका था कि हाँ हम इस तरीके से बीज में से फसल उगा सकते हैं, उन लोगों ने एक तरह से फार्मिंग स्टार्ट कर दी थी। तो आप एक कह सकते हैं कि मेलोलिथिक एज में बहुत सारे हमें चेंजेस मिले। पहला चेंजेस हमें ये मिला कि उनकी टूल्स की जो टेक्निक थी वो बदल चुकी थी, उनके टूल्स ऑर्डिनरी एंड फ्लेक्सिबल थे बजाय पैलियोलिथिक एज में। एंड सेकेंड अपना था कि इन द मेसोलिथिक एज मैन स्टार्टेड टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स लाइक कैट्स, डॉग, शीप्स, कैटल्स। ओके, एंड थर्ड पॉइंट अपना ये है कि इन मेसोलिथिक एज मैन स्टार्टेड टू ग्रो
started to grow crops in the fields and how to just grow a crop with the seed. Okay, so ये अपना total ये तीन बातें हुई हैं कि मेलोलिथिक एज में बहुत सारे differences अपने आए हैं. अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस चैप्टर का, लॉन्ग आंसर का फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, डिस्क्राइब द सोनियन एंड एक्यूलिन कल्चर. तो हमें सोनियन एंड एक्यूलिन कल्चर के बारे में डिस्क्राइब करना है. तो आपकी बुक में अच्छी तरह से सोनियन एंड एक्यूलिन कल्चर के बारे में बताया गया है, पूरा केस स्टडी के नाम से पूरा टॉपिक दिया गया है. तो उसी में से कुछ पॉइंट्स हमें डिस्क्राइब करने हैं. ओके, तो सोनियन कल्चर के बारे में बताते हैं. द सोनियन इज एन आर्कियोलॉजिकल कल्चर ऑफ द लोअर पैलियोलिथिक इन पाकिस्तान कंटेम्पररी टू एक्यूलिन. सो अपना जो सोनियन कल्चर है वो एक आर्कियोलॉजिकल कल्चर में आता है जिसमें वो लोअर पैलियोलिथिक एज में पाकिस्तान, उस समय वो पाकिस्तान के एरिया में आता था. कंटेम्पररी टू एक्यूलिन, इट इज नेम्ड आफ्टर सोन वैली इन पाकिस्तान, और इसको बाद में सोन वैली के नाम से पाकिस्तान में पुकारा गया. ठीक है, सोनियन साइट्स आर फाउंड अलोंग द शिवालिक रीजन इन प्रेजेंट इंडिया, नेपाल एंड पाकिस्तान. और सोनियन साइट्स और सोनियन की कुछ जो जगह हैं वो अपने प्रेजेंट टाइम में इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, इन तीनों जगह पे हमें मिली है. शिवालिक रीजन जो भी लोग उस समय वहाँ पे रहते थे, जो भी सोनियन साइट्स थी वो अपनी इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, इन्हीं एरिया में हमें सोनियन कल्चर मिला है. ठीक है, नेक्स्ट अपना है एक्यूलिन कल्चर. द एक्यूलिन साइट्स आर फाउंड इन द दक्षिणी पथ और डेकन. तो जो अपना एक्यूलिन साइट्स है, एक्यूलिन कल्चर है, वो अपना दक्षिणी पथ और डेकन में पाया गया है. ठीक है, इट कवर्स द साउथ ऑफ विंध्या माउंटेन्स और नर्मदा रिवर. तो ये अपना विंध्याचल जो माउंटेन्स है और जो नर्मदा रिवर है उस जगह पे अपना ये एक्यूलिन कल्चर था. ठीक है, तो जैसे कि अपना सोनियन कल्चर इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान में है, तो अपना ऐसे ही एक्यूलिन कल्चर विंध्या माउंटेन्स एंड नर्मदा रिवर के पास है. ठीक है, द मेन टूल्स यूज इन द अर्ली एक्यूलिन वर हैंड एक्सेस. जो भी एक्यूलिन कल्चर में जो भी टूल्स यूज होते थे वो बता रहे हैं कि एक्सेस, क्रूड क्लीवर्स एंड चॉपर्स, ये सब कुछ अपने वहाँ पे उस समय के वेपन्स थे, जो काम में लेते थे, जो भी हैंड साइज टूल्स थे. फ्लेक टूल्स वर द मेजर फीचर्स ऑफ द लेट एक्यूलिन्स. ऑफ जो फ्लेक टूल्स थे वो अपने मेजर फीचर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आते थे वेपन्स के अंदर. स्मॉल एंड मीडियम साइज द हैंड एक्सेस वर स्पेशली मेड ड्यूरिंग द अर्लियन एक्यूलिन कल्चर. तो अपने छोटे और हैंड में, अपने हाथ में आने वाले जो भी एक्सेस थे वो उस समय एक्यूलिन कल्चर में मोस्टली बनाए गए थे. उनसे ही हमें आगे इन सब चीज़ों के आइडियाज़ मिले. तो दीज टूल्स में हैव बीन यूज्ड फॉर चॉपिंग मीट. और ये जो टूल्स, जो हैंड साइज टूल्स बनते थे, फ्लेक टूल्स जो बनते थे, वो अपने मीट को, मतलब मीट आप समझ रहे हैं, मांस को चॉपिंग करने में काम आते थे. तो ये अपने सोनियन एंड एक्यूलिन कल्चर के बारे में था, जो कि केस स्टडी से आपकी बुक में अच्छी तरह से टॉपिक में दे रखा है. तो मैंने उसके कुछ पॉइंट्स लेके आपको समझा दिया कि इस तरीके से अपना ये इसका आंसर बनेगा. तो गाइस, आज अपना चैप्टर सेकंड, लेसन टू, स्टोन एज पूरा कंप्लीट हो चुका है. और आपको इसका वर्क अपना होम पे टाइम टू टाइम पूरा कंप्लीट करना है. एंड बड़ी मेहनत से मैंने ये चैप्टर आपके दो करवाए हैं. तो आई होप सो, मैं आपसे आग्रह भी करती हूँ कि आप इस दोनों चैप्टर को अपनी नोटबुक में वर्क करें, क्योंकि अगर आप वर्क नहीं करेंगे, अगर आप लर्न नहीं करेंगे, तो आपको ये सब कुछ भूल जाओगे, आप याद नहीं रहेगा आपको. तो आप इसको, आपका होम असाइनमेंट आप लिख लीजिए, राइट एंड ईवीएस नोट, राइट एंड लर्न इट इन ईवीएस नोटबुक चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकेंड फुल. ओके, सो राइट एंड लर्न इट इन EVS notebook chapter first and second. Okay, तो आपका first and second chapter मैंने full आपको पढ़ा दिया है. पहले आपको चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करवाया, जैसे कि फिर इन द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग. उसके बाद आपको मैंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करवाया, फिर उसके बाद मैंने लॉन्ग आंसर करवाए. तो इस तरीके से अपना दोनों चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए हैं आज. सो आपको ये अपना वर्क टाइम टू टाइम अपनी नोटबुक में करना है. एंड दो तीन दिन का टाइम दे रही हूँ मैं कि आप इस वर्क को कंप्लीट कीजिए. सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, एंड आई होप सो आप वर्क पूरा कंप्लीट करेंगे. ओके, बाय.